सुबह आप खुलते के साथ आज जब फोन उठाया तो व्हाट्सएप पर एक दोस्त का मैसेज पड़ा था। उसने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक प्रेस रिलीज की फोटो भेजी थी और साथ में भेजी थी हा हा वाली इमोजी। कुल मिलाकर वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक फैसले के मजे ले रहे थे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कहा है कि 14 फरवरी को काउ हग डे मनाया जाए। सोशल मीडिया खोले भैया तो सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आई हुई है, हर कोई मजे ले रहा है। अब बात यह है कि हम भारतीयों को एक बीमारी है कि अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके हम लोग हाहा ही करते ही हैं। जब तक कोई विदेशी आके उसके ऊपर सर्टिफिकेट ना लगाते, जब तक कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ वैज्ञानिक उसके ऊपर ठप्पा ना लगा दे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध की पॉजिटिव न्यूज़। और आज के पॉजिटिव न्यूज़ में हम इसी प्रेस रिलीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वेलफेयर बोर्ड ने क्या कहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत का संविधान इसके बारे में क्या कहता है, क्या बातें हुई हैं भारत के संविधान में उसको लेकर, और सबसे ज़रूरी अमेरिकी ठप्पा इसके ऊपर क्या लगा है, विदेशी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आखिर तक देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और यकीन कीजिए, ऐसे वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। इस प्रेस रिलीज को जारी किया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने, और उनके साथ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी भी कोलैबोरेशन में है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत की संस्कृति, वैदिक संस्कृति विलुप्ति की तरफ बढ़ रही है और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को उनकी सभ्यता संस्कृति से जोड़ने के लिए जिस गाय को हम कामधेनु कहते हैं, गाय माता कहते हैं, उसके प्रति लोगों का प्रेम जगाने के लिए ऐसा करते हैं कि 14 फरवरी को हम काउ हग डे के तौर पर मनाएंगे। अब ये सुनना था कि हाहा ही हु की भीड़ लग गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भारत का संविधान बन रहा था, जब भारत के संविधान सभा में इस विषय की चर्चा हो रही थी गायों की, तो उस समय गौ वध के ऊपर बैन लगाने का जो मेन रीजन था वो धार्मिक नहीं था, वो ये था कि भारत की इकोनॉमी, भारत के गांव आज भी गायों के ऊपर निर्भर हैं। ऐसे में गायों की हत्या भारत की इकोनॉमी को कमजोर करती है। आज भी मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले एक योजना लागू की है। इस योजना में वो जनजाति क्षेत्र में रहने वाले 3 जो जनजातीय समूह हैं उनको एक एक गाय देने वाली है। गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब चलिए आ जाते हैं उस मेन पॉइंट के ऊपर जो इसके ऊपर ठप्पा लगा देगा, जिसके बाद आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बहुत कूल आइडिया है। ये जो काउ हग डे की बात भारत में आज की जा रही है, ये चीज़ विदेशों में पिछले 3 साल से लगातार पॉपुलर हो रही है। वहाँ पर इसे काउ हग डे नहीं बल्कि काउ कडलिंग कहा जाता है। काउ कडलिंग माने कि क्या, लोग एनिमल फार्म्स में जाते हैं, वहाँ पर 2-3 घंटे का समय बिताते हैं और उसके बाद गायों को गले लगाते हैं। इसके लिए 1 घंटे के लिए $75 से लेके $200 तक का खर्चा करते हैं। फीस है $75 से लेके $200 तक। अब $75 और $200 रुपया में कितना होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके प्रभाव जो हैं वो भी बहुत अनोखे हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो गांव अपने एक दोस्त के साथ गाय को गले लगाने के लिए गए। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार शायद दिल से गले लगाने को महसूस किया है। गाय का बड़ा साइज, उसके दिल की कम धड़कन और शरीर की गर्मी हमें मानसिक सुकून देती है। कोरोना के समय में जब लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, जब लोग परेशान हो रहे थे, ऐसे में अमेरिका में काउ कडलिंग का कल्चर जोरों शोरों से आया। और अब $75 से $200 कोई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसको इसका फायदा तो जरूर हो रहा है। अब आपको हाहा ही हु करना है या फिर भारत की संस्कृति का जो हिस्सा है, जिस गाय को घर के आंगन में बांधने के बाद कहा जाता था कि पूरे घर में सुख समृद्धि आ जाती है, उसको मानना है।
तय आप कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है और मैं 14 फरवरी को काव हग डे ज़रूर मनाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी तो पता चले क्या क्या चल रहा है। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम इस तरह के वीडियोज़ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।